अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जिस सेट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो है रियलमी का C3, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में इसका प्राइस टैग अराउंड 19,000 की है और इस प्राइस टैग में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। सो हर लिहाज से ये डिवाइस एक बजटरी फ़ोन है और अपने प्राइस टैग में ये डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ऑल राइट, वेलकम बैक दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें ताकि मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। अब सबसे पहले इस डिवाइस को अनरैप कर लेते हैं, इसके बाद डब्बे के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या मौजूद है। अब सबसे पहले इसके बॉक्स के बैक पे मौजूद इसकी हाइलाइटेड फीचर को चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास जो इसका वेरियंट है वो 3 GB रैम और 4 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है और इस डिवाइस का जो कलर है वो ब्लू है। इसके बाद इसके टॉप पे अगर इसकी स्पेसिफिकेशन को देखें तो सबसे पहले एक ट्रिपल कैमरा का इसके अंदर सेटअप मौजूद है। जो इसका मेन कैमरा है वो 12 MP का है, इसके अलावा 2 MP का एक मैक्रो कैमरा है, जबकि एक और एक 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। इसके अलावा इसका फ्रंट कैम 5 MP का है। इसके अलावा इस डिवाइस की बैटरी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव बैटरी है, जो कि 5000 mAh की बैटरी है। इसके बाद इसके डिस्प्ले को अगर देखें तो ये एक IPS पैनल है, जबकि इस डिवाइस का स्क्रीन साइज 6.5 इंच है। और लास्ट में इस डिवाइस के साथ जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो G70 का चिपसेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। इसके बाद डब्बे के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या मौजूद है। अब डब्बे के अंदर सबसे पहले किस तरीके का बॉक्स मौजूद है, जिसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है, इसके अलावा वारंटी की इंफॉर्मेशन के लिए गाइड मौजूद है और एक सिम इजेक्टर पिन भी है। तो इस बॉक्स को साइड पे रख देते हैं। अब इसके बाद रियलमी का सेट मौजूद है, इसको भी साइड पे रख देते हैं अभी के लिए। इसके बाद डब्बे के अंदर एक रियलमी का चार्जर मौजूद है, जो कि देखने से नज़र तो नहीं आ रहा, मगर ये एक 10 W चार्जर है जो कि आपकी डिवाइस को चार्ज करेगा। मगर ये चार्जर एक फास्ट चार्जर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये आपकी डिवाइस को चार्ज करने में थोड़ा वक्त ले लेगा। तो अब इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक डेटा केबल मौजूद है, जो कि USB 2.0 है और इसका येलो कलर ये बता रहा है कि ये एक रियलमी का डेटा केबल है। अब इसको भी साइड पर रख देते हैं। इसके बाद फाइनली डिवाइस को फर्स्ट बूट कर लेते हैं। जब तक ये डिवाइस बूट हो रहा है उस वक्त तक इस डिवाइस की लुक एंड फील को भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस डिवाइस की होल्डिंग ग्रिप की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मगर इस डिवाइस की ओवरऑल वेट की बात की जाए तो वो 196 ग्राम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह ये है कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी इंक्लूड की गई है। अब इस डिवाइस के बैक पर देखें तो ये फुली प्लास्टिक बॉडी है। इसके टॉप राइट पर देखें तो एक शिमर इफेक्ट डाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है और डिवाइस का ओवरऑल बैक का कलर काफ़ी अच्छे कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे ये और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके बाद टॉप लेफ्ट पे ट्रिपल AI कैमरे का सेटअप इंक्लूड किया गया है, जिसमें इसका मेन कैमरा 12 MP का है और एक LED फ्लैश इंक्लूड किया गया है। इसके बाद इसके राइट हैंड साइड पे देखें तो एक पावर का बटन इंक्लूड किया गया है। इसके बाद इसके बॉटम को देखें तो एक साउंड ग्रिल मौजूद है और एक चार्जिंग पोर्ट मौजूद है और एक हैंड फ्री के लिए जैक मौजूद है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम कंट्रोल का बटन मौजूद है और एक सिम कार्ड ट्रे मौजूद है। और लास्ट में अब अगर इसके टॉप को देखें तो टॉप पर कुछ भी मौजूद नहीं है। नाउ अब इस डिवाइस को फर्स्ट बूट के लिए रेडी कर लेते हैं। इसके बाद ये डिवाइस फर्स्ट बूट हो चुका है और इस डिवाइस का फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहा है। और इस डिवाइस की डिस्प्ले को देखें तो ये रियलमी का One UI है, क्योंकि रियलमी ज़्यादातर ओप्पो का ही ब्रांड कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से रियलमी के ज़्यादातर डिवाइस में ओप्पो का ही UI यूज़ किया जाता है, मगर इस डिवाइस में रियलमी ने अपना One UI यूज़ किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस डिवाइस की अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो ये एक IPS डिस्प्ले है, जिसकी वजह से इस डिवाइस का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कलर कंट्रास्ट और ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
और एक चीज़ जो बताने से रह गया वो इसका फ्रंट कैम है, और अगर इसके फ्रंट कैम को देखें तो ये टॉप पे एक नॉच टाइप का है जो कि 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम यूज़ किया गया है, जिससे आप एक फुल HD की वीडियो भी बना सकते हैं और सेल्फी भी ले सकते हैं। और लास्ट में अगर इसके कैमरे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें उसकी भी कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा। सो दोस्तों, लास्ट में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।